ये पाए आई बाजू वॉशिंग लपे बोल ना करूं। तो जय हिंद दोस्तों, आप सबका तेरे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएमबी स्नेक्स और गोपाल स्नेक्स में। तो मेरे दोस्तों, आज सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक हमने ये दो सांप रेस्क्यू किए, बिग साइज के इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। तो हमारे साथ है आज मालेगांव के सर्प मित्र श्याम बड़ी और शिरपुर के सर्प मित्र अनिल साखरे। तो ये कोबरा बिग साइज का दोस्तों, इससे थोड़ा बड़ा है, फुल साइज है। तो ये इन्होंने रेस्क्यू किया था दोस्तों आज सुबह किया ना। तो ये अभी हम यहाँ इसे इसके फॉरेस्ट एरिया में रिलीज करने के लिए आया दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि ऐसे में खतरा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसको थोड़ा सा चोट लगी है दोस्तों, तो इसको हम पहले हल्दी वगैरह लगाएंगे इसको। जवड़े जरा जवड़े कैमरा मन जवड़े जरा तो दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही बिग साइज के दो स्पेक्टिकल कोबरा। तो दोस्तों जो बड़ा बिग साइज का कोबरा है तो वो थोड़ा शांत है क्योंकि उसको चोट लगे दोस्तों। और ये कोबरा आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये कोबरा साहब की एक खासियत होती है, जब भी इनको खतरा महसूस होता है तो अपना फन फैलाकर खड़ा रहता है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही जहरीला सांप होता है दोस्तों ये, अपने भारत का दूसरे नंबर का विषैला सांप होता है। नंबर एक इंडियन कॉमन करेत जिसे हम मन्यार कहते हैं, नंबर दो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा आपके नजरों के सामने। तो दोस्तों इसी को नाग, इसी को फिटार, गेहुअन, पलटू और पंजाबी में पदम, बहुत सारे अंतर स्टेट के अंतर अलग अलग नाम होते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर जो पॉइजन होता है तो वो न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन होता है जो कि अपने नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा। और यदि ऐसा सांप किसी इंसान को काट ले तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल, झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना रहे, नहीं तो मारा जाएंगे दोस्तों। और अपने भारत में जितने भी मांत्रिक तांत्रिक ओजागुनी हैं उनको मेरा ओपन चैलेंज है दोस्तों, जो भी कहेगा कि मैं सांप काटने से बचा लेता हूँ तो वो मेरे सामने आ जाए और ये कोबरा खुद को कटवा लेना है दोस्तों, लोगों को नहीं, खुद को कटवा लेना है और बच के दिखाना है। अगर ओझा बच गया इस सांप से तो मैं 1,00,000 रुपये इनाम दूंगा दोस्तों, 1,00,000 रुपये। कोई ओझा भी नहीं बच सकता क्योंकि इसके काटने के बाद सिर्फ एक ही इलाज आपको बचा सकता है और वो है एंटीवेनम। इसी के पॉइजन से बना हुआ एंटीवेनम और हॉस्पिटल, झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना रहे, हाथ जोड़ कर भी नहीं दो दोस्तों। और दोस्तों आजकल ऐसा हो रहा है दोस्तों कि जैसे हम सांप को पकड़ते हैं तो वीडियो देखकर जो यूथ पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, तो वो भी उनको लगता है कि हम भी कुछ करें तो वीडियो देखकर सांपों को पकड़ने की गलती करते हैं दोस्तों और मारा जाते हैं। तो ऐसे ना करें, सांपों को अगर डरना है तो इसका ट्रेनिंग लेना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो देखकर सांपों को पकड़ने की गलती ना करें, नहीं तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। आपके घर में या घर के आसपास सांप दिखाई दे तो नज़दीकी सर्प मित्र के साथ संपर्क कीजिए, वो आपको ज़रूर मदद करेंगे दोस्तों। और प्लीज़ सांपों को ना मारे क्योंकि अगर सांप मारेंगे तो पर्यावरण खत्म हो जाएगा दोस्तों, सांप बचाएंगे तो पर्यावरण बचे रहेगा दोस्तों, इन्हीं के कारण पर्यावरण सेफ रहता है। बिग साइज का कोबरा है, जब इनको खतरा महसूस होता है दोस्तों तो अपना फन फैलाकर खड़ा रहता है और हमें चेतावनी देता है कि हमारे पास मत आओ, आपको हमसे खतरा है।
सांप कोई भी रहो दोस्तों, जबरन किसी को नहीं काट लेता, जब उसे खतरा महसूस होता है तभी वो काट लेता है अपने बचाव के लिए। हाँ तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा हल्दी लगाएंगे, मदद बस 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 चल चल हळद लावायचं थांबा जरा, तुम्ही जाऊ शकता, तुम्ही जाऊ शकता, आम्ही करणे थोडसे येरी जाणार लोक आम्ही असे तुम्हाला त्रास द्यायसाठी लोकांचा त्रास हे करू। और एक बात दोस्तों, मारने वालों से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, इसने अगर अटैक भी किया दोस्तों तो हमारे घुटने तक नहीं आएगा। तो दोस्तों ज्यादा टाइम न गमाते हुए हम इसे यहाँ रिलीज करेंगे और आप देख सकते हो यहाँ हम इसे रिलीज करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा एक कोबरा बिग साइज का अपने पर्यावरण में चला गया और ये दूसरा, तो इसका हम थोड़ा सा स्टेटमेंट करना चाहते हैं दोस्तों। हल्दी वगैरह इसको लगाएंगे, बाद में इसे रिलीज करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा मार लगाए दोस्तों, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मार इसे लगा। ये तो बेजुबान है दोस्तों, ये बोल नहीं सकते, अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते दोस्तों, लेकिन इनको बचाना हमारा कर्तव्य है। जब तक हम है तब तक इसे बचाते रहेंगे दोस्तों। खाली खड़ी जरा सा कटाई का गोपाल गोवत जाता तो आपने देखा दोस्तों, थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसे हमने लगाया, अब इसे यहाँ रिलीज करेंगे। देखो सुनना था काम, तो यहाँ इसे रिलीज करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन प्रेस कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, किसी रेप्टाइल की मदद करते हुए, किसी डरे हुए परिवार की मदद करते हुए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
बाहर भी जाते रहे सर क्यों हो रही है।